अनुराग जी फ्रॉम अंबाला पंजाब जी। हाँ जी सर, हरियाणा सर। मस्तिष्क की तरंगों के विषय में आपने कहा है। हाँ। और सबसे पहले है बीटा वेव्स। सुबह से रात तक के सोने के समय तक हमारा जो माइंड है यह बीटा वेव्स में रहता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है यह 14 से 35 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड तक रहती है। साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। ठीक सर, डिग्री हटा देते हैं, 14 से 35 साइकिल पर सेकंड तक रहती है। इसमें कॉन्शियस माइंड में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये एक्टिव रहता है। इसके बाद आपने कहा है अल्फा वेव्स। जब हम किसी व्यक्ति को हिप्नोटिज्म की अवस्था में लेके जाते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, तो उस व्यक्ति का माइंड अल्फा तरंगों में चला जाता है। अल्फा तरंगों की फ्रीक्वेंसी 7.5 से 14 साइकिल पर सेकंड तक होती है। इसे हिप्नोटिज्म की पहली अवस्था, हिप्नोटल स्टेज भी कहते हैं। इसमें पहचान रहती है कि सब्जेक्ट की जो पलके हैं यह चिपक जाती है। यह कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने की अवस्था यहीं से शुरू होती है। आगे आपने कहा है थीटा वेव्स। जब हम किसी व्यक्ति को सम्मोहन करते हैं, सम्मोहित करते हैं, तो वह गहरी अवस्था में चला जाता है। तो ये थीटा वेव्स में उसका माइंड चला जाता है। थीटा तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी है 3.5 से 7.5 साइकिल पर सेकंड होती है। इसमें इसे हम हिप्नोटिज्म की दूसरी अवस्था कैटालेप्टिक स्टेज भी कहते हैं। इसकी पहचान सब्जेक्ट का मसल कंट्रोल हिप्नोटिस्ट के हाथ में आ जाता है, जिसे हिप्नोटिस्ट उसके हाथ को जाम कर सकता है, उसके नाम को भुलवा सकता है, पैर जाम करवा सकता है, हाथ चिपका सकता है, उसके नाम को बदल सकता है। अगली स्टेज आपने कही है डेल्टा वेव्स। जब हम क्लाइंट को गहरे सम्मोहन में ले जाते हैं तो माइंड डेल्टा तरंगों में चला जाता है। डेल्टा की फ्रीक्वेंसी 0.5 से 3.5 साइकिल पर सेकंड होती है। इसे हिप्नोटिज्म की तीसरी अवस्था सोमनाबुलिज्म भी कहते हैं। इसकी पहचान सब्जेक्ट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ना तो कोई बात सुन पाता है और ना ही कोई रिएक्ट कर सकता है। इस अवस्था में हमें सब्जेक्ट को नहीं ले जाना चाहिए। बहुत अच्छे से बताया आपने, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नाउ मंगल सिंह जी अपना कैमरा माइक खोलिए, एस्ट्रोलॉजर जी। हाँ जी, अपना कैमरा माइक खोलिए। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। ब्रेन के वेव्स की मस्तिष्क की तरंगे जो होती हैं उसमें पहला आता है वीटा वेव। वीटा वेव पूर्णतः चेतन मन का काम है। सुबह से लेकर रात्रि सोने तक हमारा माइंड जो भी भौतिकी बाहर की चीजें देखता है, सुनता है, समझता है या बाहर से सम्मोहित होता है उसे वीटा वेव कहा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 14 से लेकर 35 साइकिल तक होती है। हमें बहुत